Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you the chapter number 6 of the subject English Grammar. So let's begin now. Kindly open page number 19 of your book. The name of the chapter is Adjectives Describing Words. Okay.

कुछ विशेषता कुछ अच्छी बात कुछ गलत बात कुछ नंबर जब डिस्क्राइब करते हैं नाउन क्या होता है नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग ठीक है तो नाउन हुआ जैसे राहुल राहुल के बारे में मैंने बताया राहुल इज़ अ गुड बॉय तो गुड मैंने उसकी विशेषता बताई गुड हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव वहीं पे अगर मैंने बोला कि राहुल इज़ अ बैड बॉय तो बैड भी एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो भी उसी के बारे में हम बता रहे हैं ठीक है देयर आर सेवन स्टूडेंट्स तो सेवन मैंने बताया स्टूडेंट्स के बारे में तो सेवन क्या हुआ एडजेक्टिव ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं मेन काइंड्स बेटा चार होते हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो आपको लिखवाए गए हैं बट मेन देयर आर फोर काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स नंबर वन इड्स एडजेक्टिव ऑफ़ क्वालिटी किसी की विशेषता बताना सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कोई चीज़ कितनी है कितनी क्वांटिटी में है वो बताना एडजेक्टिव ऑफ नंबर नंबर्स में कोई चीज़ कितनी है वो बताना और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसके अलावा डिमॉन्सट्रेटिव पोजेसिव फ्रिक्वेंसी कई होते हैं एक्सरसाइज देखते हैं सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नंबर वन आई हैव अ न्यू ड्रेस न्यू पे सर्कल करिए द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल सर्कल वाइल्ड टाइगर के बारे में हम बता रहे हैं कि वो वाइल्ड एनिमल है तो वाइल्ड को हम सर्कल कर देंगे इट इज़ अ रेनी डे दिन के बारे में बता रहे हैं कि रेनी डे है तो रेनी को सर्कल करेंगे माई ब्रदर इज़ वीक मेरा भाई वीक है वीक पे सर्कल करेंगे नेहा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट ब्राइट पे सर्कल करेंगे देयर आर सेवन गर्ल्स इन द क्लास हम बता रहे हैं क्लास में कितनी लड़कियां हैं सेवन हैं तो सर्कल ऑन सेवन द सम इज़ ईजी जो सम दिया है मैथ्स का वो ईजी है तो ईजी पे सर्कल करिए इट इज़ अ लॉन्ग पैसेज ये जो पैराग्राफ पैसेज दिया है ये लॉन्ग है तो लॉन्ग पे सर्कल करिए आइसक्रीम इज कोल्ड आइसक्रीम के बारे में हमने बताया कि आइसक्रीम ठंडी है तो कोल्ड पे हम सर्कल करेंगे नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडजेक्टिव यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं हमें इनको देखना है और कोई एड्जेक्टिव रख इसमें भरना है ठीक है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक डॉग की पिक्चर बनी है तो डॉग के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं आ वाइट डॉग क्योंकि वाइट कलर का है ब्रेव लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर ब्रेव लिखा है आप भी ब्रेव लिख लीजिएगा बी आर ए वी ई यहाँ पर दो रैट्स बने हैं तो मैंने लिख दिया टू रैट्स यहाँ पे लड़की है जिसके शॉर्ट हेयर हैं तो शॉर्ट हेयर एस एच ओ आर टी क्यूट गर्ल ये लड़की बनी है वो क्यूट है अ हेल्दी गर्ल अ प्रिटी ड्रेस अ राउंड फेस अ जेंटल मैन अ शार्प सिजर ब्यूटीफुल वैली अ मिनी स्कर्ट टू रेबिट्स ये हमने एडजेक्टिव्स भर दिए इसमें एडजेक्टिव ऑफ़ क्वालिटी भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है ठीक है मैच द नाउंस इन कॉलम बी विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव इन कॉलम ए एंड राइट दम टुगेदर इन कॉलम सी द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया है कॉलम ए में जो वर्ड दिया है हमें देखना है कि कॉलम बी का कौन सा वर्ड उसके साथ फिट बैठेगा जैसे ब्राइट आइस तो हमने यहाँ लिख दिया ब्राइट आइस उसी तरह हॉट सन सन जो है सूरज जो है वो गर्म होता है तो हॉट सन शार्प नाइफ यानी कि चाकू जो है वो शार्प है तो शार्प नाइफ कोल्ड कॉफी कॉफ़ी ठंडी तो कोल्ड कॉफ़ी डीप लेक यानी कि गहरा लेक डीप लेक ब्लैक पेंट ब्लैक कलर का पेंट ओल्ड कार कार जो है ओल्ड टॉल गर्ल लड़की लंबी है इंटरेस्टिंग बुक तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्टिंग बुक फ्रेश फ्रूट फ्रूश फ्रूट क्या है फ्रेश तो फ्रेश फ्रूट नेक्स्ट एक्सरसाइज सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग स्टोरी इसको आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा पहले उसके बाद जो मैंने किया है उससे मैच करिएगा अभी तक मैंने जितना समझाया है उसके हिसाब से आप इजली कर लेंगे ठीक है उसके बाद आप लोग मैच करिएगा जो मैंने सॉल्व किया है पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा फिर से एक बार लास्ट में बंद करते करते रिवाइज कर लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं चाहे वो विशेषता हो चाहे उसकी क्वांटिटी हो चाहे वो नंबर हो ठीक है एडजेक्टिव के मेन फोर काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ़ क्वान्टिटी एडजेक्टिव ऑफ़ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ठीक है तो चैप्टर सिक्स हमारा आज बेटा फिनिश होता है अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव्स और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आप लोगों को पहले दी जा चुकी है फ़ेसबुक व्हाट्सएप पे और काइंड्स के नाम लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे और काइंड्स के नाम लिखेंगे उसके अलावा आप लोगों को कॉपी में कुछ नहीं करना है बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है जो बुक में दी गई है दैट्स ऑल फॉर द टूडेज़ क्लास थैंक यू वेरी मच